कुशासन का पर्याय है। आप जानते भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर वन है। मैं तो हैरान के सरकार की योजना भवन से करोड़ रुपया बरामद होते हैं, सोना बरामद, ये सब पहली घटना है कि सरकारी कार्यालय से पैसा और सोना बरामद हो रहा है। अब जल जीवन मिशन इसलिए था कि हर घर पीने का पानी पहुंच जाए, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला यहां हो गया। 5 साल में 11 लाख अपराधों का रिकॉर्ड, साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर वन, और सांप्रदायिक दंगे, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, क्या मजाल की एक सांप्रदायिक दंगा हो जाए, कोई आंख उठा के देख ले, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, लेकिन यहां दंगों की आग में झोंक दिया पूरे राजस्थान को। और जितने वादे किए थे, मुझे तो आश्चर्य होता, मध्य प्रदेश में भी कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। यहां भी कहा था किसानों का कर्जा माफ, 19,422 किसानों ने अपनी जमीनें खोदी, नीलाम कर दी इसी सरकार में, बेरोजगारी भत्ता देंगे, केवल नाम मात्र का। एक भी वादा में जाना नहीं चाहता बहुत विस्तार में। यहां फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं गया। अब बाजरा या मिट्टी के मोल बिकाए, मध्य प्रदेश हो हरियाणा हो, हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम किया है। बहन और बेटियों के सम्मान के साथ यहां खिलवाड़ हुआ है, और यहां के मंत्री ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। तुष्टीकरण राजस्थान की सरकार का मूल मंत्र रहा है। हिंदू त्योहारों पे धारा 144 लगा देना, शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगा देना, और पूरा देश हैरान था कि कन्हैया लाल जी की गर्दन काट के ले गए आतंकवादी। अपराधों का गढ़ इनने बनाया है, इसलिए राजस्थान विकास की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गया, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। आज की सरकार को देख के लोग शर्म से सिर झुका देते हैं। ये बेशर्म सरकार केवल 4.5 साल रिसोर्ट में ही रही, और अंतिम 6 महीने में निकल के आया अशोक गहलोत, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा। एक फर्क है मित्रों, मध्य प्रदेश में जो हमने कहा किया, अगर हमने कहा कि लाडली बहना योजना, तो 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने पैसा पहुंचा। यहां कहते रहे किया कुछ नहीं, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के आ रही है। हर जगह डबल इंजन की सरकार की दरकार है, और मोदी जी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है। अब मध्य प्रदेश में हम 6,000 अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलता है तो 6,000 रुपया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत देते हैं। 12,000 मध्य प्रदेश में मिल रहा है किसानों को, आज से नहीं 3.5 साल पहले से मिल रहा है। तो हमने जितने वादे किए हैं, दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो हर एक वादा, चाहे वो सबको मकान देने का हो। अब यहां तो मुझे आश्चर्य होता है, प्रधानमंत्री मकान के पैसे भेजे और मकान न बनाए जाए, आश्चर्य होता है। तुम्हारा क्या जाता था गहलोत जी, अगर गरीबों को छत मिल जाती तो? केंद्र की योजनाओं का ढंग से क्रियान्वयन किया ही नहीं, और कई योजनाओं का वाहवाही लेने के लिए नाम बदल दिया गया। इस कुशासन से राजस्थान की जनता बुरी तरह से त्रस्त है, परेशान है, और इसलिए राजस्थान ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो भारी बहुमत से